आपदा
फिल्म। वाराणसी में वायु सेवा कई गुना बढ़ी है। रेलवे की सेवाएं देश के हर अलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी है। सड़क मार्ग से जहां से भी कोई काशी आना चाहेगा, फोर लेन और सिक्स लेन की कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी बैठने की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग लगभग समाधान हो चुका है। बाय रिंग रोड हो या फिर भावतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, वाराणसी से लेकर प्रयागराज के बीच का हो या वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आगे अन्य सभी जगहों को जाने वाले मार्ग ये फोर लेन और सिक्स लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं। अंदर के वाराणसी के अंदर भी किस प्रकार का मॉडल मिला है, इसके साथ ही देश का पहले ही पहला इनलाइन वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है और अब तो वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के द्वारा जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा और वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जाकर के यहाँ के किसानों के उत्पाद को वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हो रही है, ये पहली बार प्राप्त हुआ है। वही होगा आज भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल भी दुनिया को दिया है, सुरक्षा का मॉडल दिया है, लोक कल्याण का एक मॉडल दिया है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं कहीं चूज नहीं होती, उसका राजन जाति मत और मजहब नहीं होता। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस योजना पर इस जाति का अधिकार होगा, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योजना फलाने समुदाय के लिए होगी, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ये योजना में फलाने राज्य के लिए दे रहा हूं। उन्होंने तो एक ही बात कही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही नारा दिया और वह नारा था सबका साथ और सबके विकास का, सबके साथ सबका विकास का नारा। कोविड काल खंड में हम सबने देखा है भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना और फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध होना, फ्री में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 3.5 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना, ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों, एक तो ये कार्य और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों
बेमिसाल और देश हुआ है खुशहाल, भारत का नागरिक कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की प्रति व्यक्तियां बनी हुई है, भारत में गांव हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर तबके के लोगों को शासन की योजना का लाभ बराबर प्राप्त हुआ है। और यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में, और यह इसलिए संभव हो पाया है, इसका श्रेय काशी को इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी को इसका गौरव होना चाहिए कि काशी की जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्रों के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव, भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था, और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की भेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में झपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए झपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की प्रगति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत के लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी धर्मगिरी पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। एक तरफ भारत है जो दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, अभी हाल ही में काशी में हुआ दुनिया के G20 के समूह के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट, हर व्यक्ति काशी को देख करके मुहूर्त था, गंगा दर्शन और आरती देख करके मुहूर्त था, काशी के सौंदर्य को देख करके मुहूर्त था। ये कारण कैसे संभव हो पाया? ये सब मोदी जी के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं आपके, आप सब से अपील करने के लिए, ये जो कुछ आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय